नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। चुनाव की रणनीति तैयार हो चुकी है। सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से चुनावी मैदान में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। प्रयागराज में भी चुनावी माहौल बना हुआ है। चुनावी माहौल में लोग बिल्कुल रंग चुके हैं। इसी के साथ प्राइम टीवी की टीम लगातार हर एक वार्ड का रियलिटी चेक करके आप सभी लोगों तक उस वार्ड की सच्ची तस्वीर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम प्रयागराज के वार्ड नंबर 36 और आलोपी वार्ड के वार्ड नंबर 48 में पहुंची है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आशीष भट्ट अपने प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम नगर संग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रयागराज के वार्ड नंबर 36 में हैं। यहां पे आज जानेंगे कि किस तरीके से 5 सालों में किस तरीके से यहां के पार्षद ने किस तरीके का विकास किया, क्या नहीं किया। यहां की हम जनता से बात करेंगे, यहां के जो भी यहां पे क्षेत्रवासी उनसे बात करेंगे कि हम सीधे बात करेंगे किस तरीके का यहां पे विकास हुआ 5 सालों में। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ युवा वर्ग भी है, इनसे बात करके 5 सालों में किस तरीके का यहाँ विकास आपने देखा, किस तरीके का यहाँ कार हुआ, क्या आपकी बात पार्षद के द्वारा आप जो कहते थे वो सुनता था कि नहीं, किस तरीके का आपने अब तक विकास 5 सालों में अभी देखा। जी सर, नमस्कार आपको, पहले आपकी टीम को भी धन्यवाद। मैं यहाँ लगभग स्टूडेंट हूँ, 15 सालों से रह रहा हूँ सर, और यहाँ के मोहल्लों वालों से काफ़ी जुड़ा हुआ है। यहाँ बड़े बुजुर्ग यहाँ साथ में बैठते भी हैं, हम लोग जाते हैं परेड वगैरह, तो यहाँ के जो पार्षद हैं उनको तो कभी देखा ही नहीं मैंने कभी। वो महिला हैं, कभी दिखती नहीं, उनके पति कभी कभार दिखते हैं। आप खुद देख रहे हैं जैसे नाली यहाँ बह रही है, यहाँ पर सीवर की समस्या भी पिछले कुछ दिनों में थी, और पानी की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर। पानी लगभग 1 हफ्ते तक बंद ही था, 1 हफ्ते क्या लगभग 10 दिन तक, और काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन पार्षद निकल के भी सामने नहीं आए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कोई एक युवा आए और बढ़िया से काम करे, जो समस्याओं को देखे और उसको निपटाए, यही मैं चाहते हैं। जिस तरीके से देखा इन्होंने कहा, इनका कहना है, साफ तौर पे कहना कि कोई अब की इस बार युवा आया जो इनकी परेशानियों को सुने और यहाँ के जो भी कार्य छूटे हैं उनको पूरा करे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग साथी भी, उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पे कई चुनाव देखे होंगे, कई सरकारें बदलती हुई देखेंगे, तो किस तरीके का 5 साल में आपने इस बार विकास देखा? ये विकास का यहाँ कोई खास वो नहीं है, यहाँ तो सब पैसा कमाने वाला धंधा है करके रखा हुआ है। सड़कें बनाई जाती है, 2 घंटे में सड़कें बनती हैं और 1 महीने के अंदर सब सड़कें बेकार हो जाती, पूरी सड़कें आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक। नाली की सफाई नहीं होती है, नाली की सफाई करने के लिए देख लाओ तो पूरे 2-2 फुट के मलबा भरे पड़े हुए हैं, इसमें सफाई नहीं होती, मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर कोई जो वो फॉगिंग मशीन है, 1 दिन चलाया उसके बाद गायब हो गया, कभी नहीं चलाते वो। इसी समस्याएँ बहुत हैं यहाँ पे, और सफाई की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, क्योंकि नालियाँ इतनी बदबूदार रहती हैं। बदलाव चाहते हैं इनका? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखा कि इनका भी कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे 5 साल में किस तरीके का यहाँ विकास आपने देखा? यहाँ पे आप क्षेत्रवासी हैं, किस तरीके का यहाँ पे सभासद आपके कार्य को सुनता था, कि आपकी बातों को सुनता है कि नहीं सुनता है, किस तरीके 5 साल में उसने कितना विकास किया? सभासद यहाँ की लेडीज़ हैं, वो दिखती नहीं है कभी, उनके हस्बैंड ही आते रहते हैं, लेकिन कोई इतना खास जो है काम नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो पशु देख लीजिए, जगह जगह बैठे रहती है, घूमती रहती है पशुए, सांड है, गाय भैंस है, वो मार देती है किसी को भी, उससे गंदगी होती है, और नाली भी भरी रहती है ज़्यादातर। अधिकतर जो उधर देखिएगा, उधर खुला हुआ है, उधर से गाड़ी जाती है तो एक्सीडेंट होने का डर है, वहाँ जब उसकी खुला हुआ है, जबकि वहाँ खुला नहीं होना चाहिए, और गली की सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, वहाँ तक अंदर तक जाते नहीं है। शिकायत करते हैं कि यहाँ के पार्षद से शिकायत किया है, तो उसका वो क्या करती है यहाँ के कुछ, यहाँ पे आपकी बातों को सुनती कि नहीं सुनती? सुनते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सुनते हैं, उसके बाद फिर 1 दिन सुनेंगे, उसके बाद दोबारा नहीं दिखेंगे, वो काम नहीं होता वहाँ पे जमीनी स्तर पे। तो जिस तरीके से इनको कहना है कि जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए, वो नहीं होता। यहाँ की पार्षद जो महिला हैं, उन्होंने 5 साल तक में अब तक आते हैं, जरूर आते हैं, बात सुनते हैं, पर कहते हैं कि एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। जो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ के क्षेत्रवासी, यहाँ पे एक शॉप भी है, हम इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे 5 सालों में किस तरीके का आपने विकास देखा अब तक? बिल्कुल नहीं देखा सर जी, जिस तरह विकास हो रहा है, खाली नाम नाम ही हो रहा है, विकास का पेपर में काम हो रहा है, बस बाकी जो जमीनी स्तर होता है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है तरीके से। अब साफ सफाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है, साफ गंदगी इतनी कि पूछे मत, पूछा अगर जाते भी हैं उनके पास तो कहते हैं कि हो जाएगा, फिर होता नहीं है कुछ।
कहना मतलब यह कि मतलब विकास मतलब कुछ एक 0% मतलब बिल्कुल बिल्कुल सड़क देख रहे हैं ना अभी ये मुश्किल से 6 महीना बनी हुई सड़क हुई देख रहे क्या हालत है अभी इसी तरह चले जाएगी उधर भी सड़क बनी हुई नहीं अभी वो 6 महीना बाद वो भी देख लीजिएगा पानी पानी वानी बरतेगा वो भी इस तरह हो जाएगी जी जी तुरंत अभी 6 महीना हुआ है ज़्यादा नहीं हुआ है कुछ लोग और हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरीके का भाई साहब यहाँ 5 सालों में आपने विकास देखा विकास का नाम पर तो केवल खाना पूर्ति देख रहे मिला है सबसे अच्छी बात ये होगा शॉर्टकट में कहने में खाना पूर्ति होती है क्योंकि रोड बनने से पहले टूटती है और आए दिन खुद अपने जिम्मेदारी पे ही सफाई करवाएं तो उसको खुद पेमेंट करें और सभासद का तो शायद अभी तक मैंने देखा ही नहीं सभासद को यहाँ के देखा मतलब इनको ये भी नहीं पता कि यहाँ के सभासद कौन है यहाँ पे कुछ और साथी उनसे भी बात करेंगे भाई साहब यहाँ 5 सालों में किस तरीके का विकास हुआ क्या नहीं हुआ भैया देखिए जितना विकास होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ यहाँ पर देखिए 5 सालों में जो है सड़कें टूटी बनी हुई अभी उखड़ गई है हमारी जो बगल की ही मेरी ही गली है सर ये लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं दोबारा इस गली को बनने का नौबत नहीं आया और मैंने कई बार सभासद जी से कहा भी कि भैया जो है थोड़ा सा गली से बनवा देंगे और देखिए हमारी जो है नाली लगी हुई है सर जी एक अंडरग्राउंड है और उसका पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो पूरा गली में भर जाता है मैं कई बार उनके पास गया कि जो है इसको लगवा के अंडरग्राउंड उन्होंने कहा कि सड़क बनने से पहले हम मतलब पाइप डलवा देंगे लेकिन उन्होंने मेरी समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया स्वीपर लोग हैं देखिए गली में घुस के कूड़ा नहीं उठाते हैं सड़क का उठा लेते हैं और अंदर जो है जब इकट्ठा हो जाता है काफ़ी 8-10 दिन बाद जब उनसे कहो हवलदार से कहो तब जाके वो सुनते हैं तो सर जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है क्या बदलाव चाहते हैं अब की आप बिल्कुल सर बदलाव चाहते हैं कोई ऐसा आए जो मतलब सफाई ध्यान रखे जो समस्याएं हैं हाँ पानी चौक है पूरी नाली भरी हुई है निकल नहीं रहा है पानी उसका सब तरफ की जो है पूरी नाली जाम है पूरी गली की पूरी सड़क की बिल्कुल पानी नहीं बह रहा है क्या बदलाव चाहते हैं आप 100% बदलाव चाहता हूँ और कोई ऐसा उम्मीदवार चाहता हूँ जो हमारे बीच रह के हमारी बात को सुने और उस पर कार्रवाई करे यहाँ कुछ लोग इनसे भी पूछेंगे क्या इस बार बदलाव आप चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल बदलाव चाहते हैं तो जिस तरीके देखा यहाँ पे लोग 5 साल में किस तरीके का विकास हुआ उससे नाखुश हैं और ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव ऐसा लोग को चाहते हैं कि जो यहाँ पे इनका युवा को चाहते हैं कि जो यहाँ पे आए कुछ विकास करे यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको सुने और जो भी दिक्कतें हैं जो मूलभूत सुविधाएँ उनको दे ये इनका इस बार का यही मत है कि हम उसी को वोट देंगे उसी को हमारा वोट जाएगा जो यहाँ के लिए कार्य करेगा जो हमारी बातों को सुनेगा हम अगले फिर किसी प्रयागराज के वार्ड में जाएंगे तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी नमस्कार मैं आशीष भट्ट प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम नगर संग्राम में आपका स्वागत है आज हम प्रयागराज के आलोपी बाग मंदिर वार्ड नंबर 48 पर मौजूद है हम जानेंगे 5 साल में यहाँ पे किस तरीके का विकास हुआ क्या कार्य हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ की हम जनता यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे क्षेत्रवासी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे जिस तरीके से अभी इस समय मौजूद हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे लोग सुबह सुबह चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे लोग सुबह की चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे 5 सालों में किस तरीके का विकास हुआ किस तरीके का नहीं हुआ सीधे तौर पर हम इनसे बात करते हैं आपका नाम बताइए मेरा नाम रतन खरे किस तरीके के 5 सालों में यहाँ पे किस तरीके का विकास हुआ देखिए ये एरिया जो है कुंभ मेले में आता है कुंभ मेला यहाँ पे हुआ और आप देख रहे हैं मंदिर आलोपिन मंदिर चमचमा रहा है शंकराचार्य चौराहा चमचमा रहा है और यहाँ पर जो है जो आलोपिन बाग का विकास आप देख रहे हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे वार्ड नंबर 48 से एक विधायक जो सभासद हुआ वो निर्दलीय हो गया और इस वजह से जो है पार्टी का जो है उसको सहयोग बहुत जो है वो निर्दलीय रहा विरोध में रहा हमेशा तो अब कुंभ मेले में तो सब काम हुआ लेकिन उसके बाद क्योंकि वो निर्दलीय रहा वो जाता ही नहीं था कुछ काम ही नहीं करता था जिसकी वजह से ये क्षेत्र अब कुंभ मेले के बाद पिछड़ गया और पिछड़ जाने से इसकी सड़कें खराब हो गई और चौड़ीकरण नहीं हो पाया लेकिन अगर मोदी योगी जी का सभासद यहाँ होता मैं जो खड़ा था पिछली बार अगर मैं हो जाता तो आप बता रहे चौड़ीकरण भी हो जाता सब कुछ लेकिन वो तो सिर्फ विरोध 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 तो क्या होगा भाई जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अगर मैं होता ये पिछले बार के सभासद पूर्व सभासद हैं
वो थे और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं होता तो यहाँ पे ये कार्य कराता, तो जो निर्दलीय पिछले पार्षद थे उन्होंने बता रहे हैं कुछ नहीं कराया, जो कुंभ में काम हुआ वही हुआ है, उनके द्वारा कोई तरीके से काम नहीं हुआ। हम और भी लोग यहाँ बैठे उनसे बात करेंगे किस तरीके से 5 सालों में यहाँ पर विकास हुआ, क्या क्या हुआ, क्या सभासद आपके बातों को सुनता था कि क्या करता था कि नहीं करता था। भाई सुनते तो हर सभासद हैं, जो भी रहेगा वही सुनेगा, और अजीत हर आदमी चाहता है कि कुछ नया हो, जब कोई नया आएगा तो नया होगा, समझ रहे हैं, और बाकी जो भी रहेगा जो करना रहेगा वो करेगा। 5 सालों में क्या विकास देखा आपने? भैया जैसे बताए अभी कि अगर पार्टी से रहते तो पार्टी उनको फंड देती, निर्दलीय आदमी कहाँ से लाके फंड काम कराएगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर पार्टी में रहेगा तभी पार्टी काम कराएगी, तो इसलिए जो है बदलाव आना चाहिए, तभी तो जब बदलाव आएगा तभी विकास होगा। इस बार आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा तभी कुछ होगा। यहाँ पे कुछ और भी भाई बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार तिवारी। अशोक जी, किस तरीके से आप यहाँ पे विकास 5 सालों में देखा, क्या नहीं देखा? देखिए विकास की जहाँ तक बात है तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया योगी जी और मोदी जी ने जो विकास किया है वो तो किया, लेकिन यहाँ का जो पार्षद है, पार्षद हमारा जो है एक तो निर्दलीय से आता है, लेकिन अभी इस बार भी जो पार्टी ने जो है जिसको टिकट वितरण का काम किया वो दूसरे वार्ड से ला करके दूसरे वार्ड में लड़ाने का काम किया है, इससे मुझे लगता है कि हमेशा उस पार्टी की, उस निर्दलीय प्रत्याशी की ही मदद की जा रही है और अपने कार्यकर्ताओं को ना दे करके टिकट जो है यहाँ पर वार्ड 48 में रोष है, और ऐसी सिचुएशन में बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं लग रही है, पुनः फिर वही जो है पार्षद के जीतने की उम्मीद है। मैं नहीं समझ पाता कि समझ रहा हूँ कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ? नहीं, विकास तो जो हो रहा है वो हमारे प्रदेश एरिया का, कितना विकास हुआ? नहीं, एरिया में तो हमारा जो, चूँकि एरिया हमेशा ही जो है इस परसीमन में जो है जुड़ते रहे हैं और बढ़ते रहे हैं और घटते रहे हैं। एक तो अलोपी बाग का परसीमन ही गलत है, अलोपी बाग में कुछ वार्ड के जो है 36 नंबर वार्ड की 3 गलियाँ जो है हमारे अलोपी बाग में घुसी हुई हैं, दारागंज की 2 गलियाँ हैं वो अलोपी बाग में घुसी हुई हैं, ना जाने किस तरीके से ये शासन और प्रशासन परसीमन करता है, तो यहाँ का परसीमन ही गलत है जिसका फायदा निर्दलीय जो है यहाँ का पार्षद उठाता है, और ANKN प्रकरण, चूँकि 3 बार से वो पार्षद रहा है, ANKN प्रकरण करके सिर्फ वही अपनी गुड़ा गणित में अपने पार्षद बनने के चक्कर में, इस सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास तो बहुत थोड़ा बहुत, सब अपने अपने गिने चुने जगहों पर वो विकास कर रहे हैं, जो होना चाहिए वो 5 सालों में नहीं दिखा, वो नहीं हो पा रहा है, वो जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि समस्या किस बात की है? अरे समस्याओं का अंबार है, आप सड़कों को मत देखिए, आप मोहल्ले की समस्याओं को देखिए, गलियाँ नहीं बन पा रही हैं कायदे से, भाई आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, आपको तो लग रहा है ना कि हम जो है निर्दलीय पार्षद हैं, ईमानदारी का तमगा आपको लगा हुआ है, आप जो है उतना ही काम कराते हो जितना काम आपको जो है ज़रूरत होती है। अब नया वार्ड हमारा जुड़ के आया है दारागंज में, एक मकान नंबर 64 है, वहाँ के 82 वोटर हैं, अब 82 वोटर दारागंज का वोटर हमारे अलोपी बाग में थोड़ी वोट डालने आएगा, और ना दारागंज का जो है पार्षद अलोपी बाग का पार्षद दारागंज विकास करने जाएगा। 2 गलियाँ हमारी 36 नंबर से जुड़ करके आई हैं, जो है 36 नंबर वार्ड की 2 गलियाँ हैं ये जुड़ करके आई हुई हैं, जो 48 नंबर में कहाँ से किस गली का जो है निर्माण होगा और किस गली का वो होगा, तो हमें नहीं लगता कि परसीमन सही ना करके जो है विकास को यहाँ पे अवरुद्ध कर दिया है। मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि यहाँ का परसीमन सही करे कि जिससे एक अच्छा पार्षद हो, और अच्छा पार्षद होने के साथ साथ यहाँ का क्षेत्र का विकास हो। इस बार कुछ नया होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद, चूँकि ना तो सही उन्होंने कैंडिडेट दिया है और ना ही सही जो है यहाँ का परसीमन है। यहाँ पे जनता की ये राय है कि यहाँ पे किसी तरीके का जो कैंडिडेट है वो नहीं सही है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। 5 सालों में किस तरीके का विकास हुआ, क्या देखा आपने, किस तरीके का कार्य यहाँ पे प्रगति हुई कि नहीं हुई, कितना विकास हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ भैया, बस यही रोड की सफाई होती रहती, बाकी कुछ नहीं होता। गली तो देखिए वैसे ही भ्रष्ट रहती है। हाँ। और सभासद के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो जाके देख सके 5 साल में। अब यही सब रहता है कि भाई पब्लिक अपने से करे तो ठीक है दौड़ धूप के, वरना कोई को सुनने वाला नहीं है। अगर पार्टी का उम्मीदवार होगा तो काम हो जाएगा, बाकी ऐसे तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा
ठीक है। कुछ और हमारे साथी बैठे उनसे भी बात करेंगे कि पाँच सालों में किस तरीके से आपका वार्ड में विकास हुआ, अगर सड़कों की बात करें या गंदगी की, तो किस तरीके का आप विकास देखा अब तक आपने? देखिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें, और वैसे तो ये 48 की बात हो रही, मैं 36 से हूँ, और 36 और 48 में कुछ एरिया ऐसे हैं जो विभाजित हो गए हैं। पहले 36 और 48 के कुछ एरिया एक थे, जैसे कि हमारा मटियारा और आलोपी बाग का कुछ एरिया, ये दोनों आज भी एक है लेकिन कहने के लिए एक है, इसको अलग अलग कर दिया गया है। अब होता क्या है कि जीतने वाला नेता, जीतने वाला जो सभासद है, कभी आलोपी बाग का आधा एरिया छोड़ करके कहीं और से जीत जाता है, कभी मटियारा का आधा एरिया छोड़ करके कहीं और से जीत जाता है। दोनों एरिया एक है, मटियारा और आलोपी बाग एक है, लेकिन जीतने वाला कहीं और से होता तो हमारी बातों को नहीं सुनता है। तो सबसे पहले मैं निवेदन यही करूंगा कि हमारा जैसे पहले 36 के कुछ एरिया और 48 के कुछ एरिया जैसे पहले एक थे, वैसे एक कर दिए जाएं, ताकि हमारा ये मोहल्ला पूरा एक हो जाए। जीतने वाला हमारे मोहल्ले का होना चाहिए, इधर उधर का जीत जाता है, सुनाई ही नहीं पड़ता कि कभी दिखाई पड़े हमें। जैसे कि हमारे 36 में हमारे नेताजी आज तक दिखाई नहीं पड़े थे। यहाँ पे वार्ड नंबर 36 के भी कुछ लोग बैठे थे, और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे कई जो भी लोग हैं उनकी यही है कि पाँच साल में कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ नपा तुला, जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। तो हम इसी तरह अगले वार्ड में जाएंगे, प्रयागराज के अगले वार्ड में जाएंगे, वहाँ की समस्या को जानेंगे, किस तरीके का विकास हुआ, किस तरीके का नहीं विकास हुआ। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। नगर संग्राम में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।